नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमंत गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि देखा गया है कि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि वोकैब कहां से करें, कैसे करें, और याद हो भी जाता है तो कोई तरीका ऐसा बताइए सर कि याद हो और भूले नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लेके आया हूं ऐसे कुछ शानदार तरीके जिससे आप वोकैबुलरी याद तो करेंगे ही, साथ में कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास में आ जाइए। विशाल कुमार, प्रभाकर, क्रेजी, विकास चौधरी, विशाली, पप्पू, गौरव, वॉरियर, सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारी शुरुआत कैसे होती है। हमारी शुरुआत होगी द हिंदू के वोकैबुलरी से, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन द हिंदू का अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे हमारी वोकैब जबरदस्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देखने वाले हैं ट्रेंडिंग न्यूज, ग्रामर, वोकैबुलरी और पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस चलेगा आपका मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों, पहला शब्द आपके सामने है क्लैमर। क्या शब्द है? क्लैमर। सही उच्चारण बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सही उच्चारण नहीं किया तो बेटा वोकैब याद करने मुश्किल हो जाती है। क्लैमर का अर्थ है कोलाहल या शोर या बहुत ज्यादा शोर शराबा या डिस्टर्बेंस। तो इसको याद कैसे करें? क्लैमर साउंड, लाइक ग्लैमर, आपको ग्लैमर बाइक पता होगी, तो क्लैमर साउंड करता है ग्लैमर की तरह, तो ग्लैमर बाइक बहुत आवाज करती है। तो कैसे याद करना है क्लैमर को? क्लैमर को कैसे याद करना है कि ग्लैमर बाइक बड़ी आवाज करती है, बड़ा शोर करती है। अब इसका पर्यायवाची है अपरोर, जैसे कि आपको पता है ना शेर दहाड़ता है तो क्या कहते हैं? रोर, द लायन रोर। तो बेटा इसको याद आपको हो गया, कैसे याद किया? क्लैमर बाइक बड़ा शोर करती है, यानी कि डिस्टरबेंस या फिर हाई वॉल्यूम या फिर अपरोर, ठीक है, या हाई साउंड। आइए चलते हैं अगले शब्द की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला शब्द है क्लैस्प। क्या शब्द है? क्लैस्प। क्लैस्प यानी पकड़, कि भाई आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब जैसे कि भाई साहब है, बॉस ने गेंद फेंकी और कहा कि यदि कैच कर ली तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा। तो बेटा क्लैश को कैसे याद करें? कि कलश गिर जाएगा पकड़ लो, कलश गिर जाएगा पकड़ लो। तो क्लैश कैसे याद करना है? क्लैश कैसे याद करना है? कि कलश गिर जाएगा पकड़ लो, ठीक है बच्चों। अब कैच इसका सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। अगला है क्लेमेंट। अगला शब्द क्या है? सही प्रोनंसिएशन है क्लेमेंट, इसका मतलब है दयालु, दयावान। जैसे कि हमारे कर्ण थे, कि जो भी जरूरतमंद आ जाए उसकी सहायता करते थे। तो याद कैसे करें क्लेमेंट को? क्लेमेंट एटली एक व्यक्ति का नाम है। क्लेमेंट एटली बहुत ही दयालु थे, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्ट पर हस्ताक्षर करने की काम किया था। अब इसका याद करने का तरीका बता दिया कि क्लेमेंट एटली एक दयालु इंसान थे। कैसे याद करना है? क्लेमेंट एटली एक दयालु इंसान थे। और इसका पर्यायवाची है बेटा माइल्ड। माइल्ड इसका पर्यायवाची हल्का या सॉफ्ट नेचर का। जैसे भाई साहब को देखिए, भाई साहब एक गरीब आदमी को देखकर अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहना रहे हैं कि भाई बड़ा बूढ़ा है, गरीब आदमी है, इसको सहायता होगी, ठंड नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला है किंस्ट। क्या सही प्रोनंसिएशन है? किंस्ट यानी पक्का करना, यानी कि सुनिश्चित करना, श्योर करना। तो प्यारे बच्चों, इसे याद कैसे करना है? किंचिड, किंचिड, कि डायरेक्टर ने फाइनलाइज कर दिया कि इस सीन में गोली जो है वो विलन को छेद करके निकल जाएगी, यानी कि ये सुनिश्चित करना। क्लिंच मतलब क्या है? किसी बात को सुनिश्चित करना, श्योर करना। तो याद करने का तरीका क्या है? कि डायरेक्टर ने यह फाइनल कर दिया कि सीन में गोली जो है वो विलन को छेद करके निकल जाएगी, यानी किसी चीज को सुनिश्चित करना, श्योर करना, ठीक है सर। तो बेटा इसका सिनोनिम है फाइनलाइज्ड, यानी किसी चीज को फाइनल कर देना कि भाई ये होके रहेगा। हाँ जी, राहुल गुप्ता, अक्कू ठाकुर, कृष्णा, राहुल जी, विशाल कुमार जी, एम एस विशाल, खुशबू, आगे अंजलि, आमी टारगेट, आमी अंजलि, सभी बच्चों को नमस्कार है बेटा। यहां ध्यान से पढ़िए, देखो बेटा ज्ञान जहां से मिले ले लीजिए, बस वो ज्ञान काम का होना चाहिए और एग्जाम में काम भी आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द फाइनल है ना बेटा। चलिए अब आगे देखिए, अगला शब्द है क्लॉइस्टर्ड। सही प्रोनंसिएशन, कई बार क्या होता है लोग सही प्रोनंसिएशन याद नहीं कर पाते और स्पेलिंग में धोखा खाते हैं। तो गाइस,
क्लॉस्टर्ड का मतलब है तन्हा या अकेला, है ना। अब इसको याद कैसे करें, कल शटर, कल शटर, कि कल शटर में उसे बंद किया गया और वो तन्हा जी रहा है। अब क्लॉस्टर कैसे याद किया बच्चों, क्लॉस्टर कैसे याद किया कि कल शटर में उसको बंद कर दिया गया और वो तन्हा जी रहा है। इसका सिनोनिम है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। क्या हम आगे बढ़े बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? बेटा देखो, आपको याद नहीं करना, याद करके कभी भूलना नहीं है, ये मेरा वादा है। दिस इज माई प्रॉमिस की वट आई एम गोइंग टू टीच यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट फॉर एवर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले शब्द पर, आइसोलेटेड। क्लॉस्टर कैसे याद करना है कि कल शटर में उसे बंद किया गया, वो तन्हा अब जी रहा है, क्लॉस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है क्लमजी। क्लमजी का मतलब अनाड़ी भी होता है, आलसी भी होता है। अब कलम से कैसे याद करें क्लमजी को, कलम से कि वो बिल्कुल अनाड़ी है, अभी उसे कलम से लिखना तक नहीं आता। क्लमजी कैसे याद करना है, क्लमजी कैसे याद करना है, कलम से। क्लमजी कैसे याद करना है, कलम से, कि वो बिल्कुल अनाड़ी है, उसे कलम से भी लिखना तक नहीं आता। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो बेटा इसका सिनोनिम है अनस्किल्ड, यानी जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी कला नहीं है, उसे कुछ नहीं आता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो क्लमजी का मतलब अनस्किल्ड होता है। अगला शब्द है क्लस्टर। जैसे तारों के समूह को भी हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है, और किसी भी समूह को, जैसे कि पेंगुइन्स का समूह है तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, या फिर इसका एक और सिनोनिम यानी पर्यायवाची है असेंबलेज। क्या पर्यायवाची है बेटा? असेंबलेज। अब असेंबलेज को याद करने का तरीका क्या है कि असेंबली में सब लोग इकट्ठा हो गए और समूह बनाकर सरकार का विरोध करने लगे। आइए बच्चों अगला शब्द करते हैं। बेटा समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखते हैं। असेंबल, बिल्कुल असेंबल, इसका अजय सोलंकी जी बिल्कुल सिनोनिम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला शब्द, अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, अगला है कदल। किसको क्या बोलते हैं? कदल। अब कदल मतलब लाड़ प्यार करना, जैसे कि एक छोटा सा जानवर है उसे बेटा प्यार किया जा रहा है, कितना खुश हो गया। अब देखो कोड डाल, कदल को कैसे याद करना है, कोड डाल, कि लाड़ प्यार ने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अब फोन में भी वो कोड डालकर रखना पड़ता है। कैसे याद करना है बच्चों, कैसे याद करना है, कदल को कैसे याद करना है, कि लाड़ प्यार में बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है कि अब फोन में भी कोड डालकर रखना पड़ता है। कदल, कोड डाल, कोड डाल, कदल भी रखना पड़ता है, लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गए हैं। सिनोनिम है सेटिस्फाई करना या किसी को संतुष्ट करना। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है कोर्स। क्या है शब्द? कोर्स यानी मजबूर करना, यानी किसी से कुछ ऐसा काम करवाना जो जो उसको पसंद नहीं है करना। अब इसका एक और सिनोनिम है प्रेशराइज करना। याद कैसे करें? कोर, कोर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोर्स कैसे याद करना है कि कोर का मजबूर होना, क्या है मजबूर, यहां पर टी नहीं है आर है, आर है बेटा, कि कोर का मजबूर होना बहुत जरूरी है। कोर्स ऐसे याद करना है। अगला शब्द, हाँ बेटा मैं इडियम्स कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा, यानी कि वोकैब की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी क्लास बेटा रोज होगी वोकैबुलरी की, आधे घंटे की, 12:15 से 12:45 तक रोज आपकी वोकैबुलरी क्लास होने वाली है। बिल्कुल जैसे कि बैड एंकर कह रहे एम्फसाइज करना, यस बिल्कुल सही है। इफ यू एम्फसाइज ऑन समवन टू डू समथिंग, यदि हम किसी पर जोर डालते हैं कुछ करने के लिए तो उसको भी एम्फसाइज कहते हैं, या फिर एम्फसाइज का एक और अर्थ होता है किसी बात को हाईलाइट करना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है कंजेंट। क्या है? कंजेंट, सही प्रोनंसिएशन कंजेंट, जिसका मतलब है प्रभावशाली, यानी कि जो व्यक्ति काफी प्रभावशाली है, या फिर जो निश्चयात्मक है, मतलब कि जो कार्य होना ही है। याद कैसे करें? कोजेंट्स, कोजेंट्स, मुझको वो जेंट्स प्रभावशाली लग रहा है, कि मुझे वो जेंट्स प्रभावशाली लग रहा है। अब इसका सिनोनिम है इफेक्टिव या कन्विंसिंग, यानी कि आप इतने प्रभावशाली हैं कि आप जो चाहे जिससे करवा सकते हैं। कन्विंसिंग मतलब कि भाई आपने उसको अपने काम में करने के लिए मना लिया,
ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। प्रिंस वॉरिया जी मुझे यकीन है कि आपको ज्ञान सीखने ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, बड़ा यहां ज्ञान बट रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब अच्छे हैं बेटा, कोई खराब नहीं है, कोई कम नहीं, कोई ऊपर नहीं, सब बराबर है बच्चे, तो केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए। थैंक यू बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें आपको वोकैब याद करने का एक और तरीका दिखा रहा हूं, तो शब्द देखें, अगला है डिस्पैरिटी। अब मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता लगाना है, ये नाउन है यानी असमानता यानी अंतर। अब इसका मतलब क्या होता है, द कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग अनइक्वल इन एज रैंक और डिग्री, कि यदि आप उम्र में असमान है या रैंक में कोई सीनियर है कोई जूनियर है या फिर डिग्री में कोई नीचे है या ऊपर है, किसी की ग्रेजुएशन है किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इस तरह के असमानता के सिनोनिम में क्या होता है, पहला सिनोनिम है प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी यानी असमानता, डिससिमिलैरिटी यानी कि अंतर, या वेरिएशन इसका भी अंतर होता है अर्थ। अब इसका एंटोनिम यानी विलोम क्या है, सिमिलैरिटी यानी एक जैसा, रिसेम्बलेंस यानी कि देखने में एक जैसे लग रहे हैं, या फिर अलाइकनेस एक जैसा। तो प्यारे बच्चों आपने आज सीखे डिस्पैरिटी यानी अंतर के तीन सिनोनिम और तीन एंटोनिम। अब याद कैसे करें, द कपल गॉट मैरिड इवन देयर वाज अ ग्रेट डिस्पैरिटी इन देयर एजेस, कि कपल यानी कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों में उम्र का इतना बड़ा अंतर है, उम्र में इतनी असमानता है, फिर भी वो शादी कर रहे हैं। ठीक है बेटा आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों अगला देखो बेटा, मैं ये चाहूंगा कि सब बच्चे केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना बच्चे, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला शब्द है एम्बलिश, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है मेकअप करना, सवारना, बेहतर करना। क्या है, जैसे होते ना कई लोग मेकअप करके अपने आप को और बेहतर लगना चाहते हैं, या फिर कॉम्बलेंस आता है उनको, है ना, टचअप करने के बाद। अब इसका इसको अगर एक्सप्लेन करें तो क्या, टू डेकोरेट यानी कि डेकोरेट करना, सजाना संवारना, टू मेक ब्यूटीफुल विद ऑर्नमेंटेशन यानी कि अलग अलग आभूषण यूज करके, यानी कुंडल है, या फिर लड़के भी है ना, लड़के क्या करते हैं नेकलेस पहन लेते हैं, है ना, हार पहन लेते हैं, चेन पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तो ऑर्नमेंटेशन उसे कहते हैं। अब इसका पर्यायवाची है डेक, गार्निश, ऑर्नामेंट या फर्निश। फर्निश क्या होता है, जैसे आपने फर्नीचर लिया, अब उसको अलग अलग तरीके से सजाया गया। ठीक है बच्चों, अब इसका एंटोनिम यानी विलोम है एब्रीविएट यानी कम करना, कंप्रेस यानी दबाना, या अग्लीफाई यानी कि खराब कर देना, बिगाड़ देना। जैसे कि एक बढ़िया सा सोफा है आपके घर में और बच्चों ने आकर उसमें धमाचौकड़ी मचा दी और उसे खराब कर दिया, गंदा कर दिया। याद कैसे करें, हु वुड एम्बलिश हिज नैरेटिव स्टोरीज अबाउट द फेमस पीपल, यानी कि वो जो है वो फेमस लोगों के बारे में जो कहानियां बनाता है उसको बड़ा चढ़ाकर और सुंदर बनाकर पेश करता है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द प्यारे बच्चों क्या है, अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब है प्रोत्साहित करना या सहारा देना। ठीक है, अब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है। अब इसका पर्यायवाची है नर्चर, यानी कि आप किसी को पाल पोस कर बेहतर करते हैं, या प्रोत्साहित करते हैं एंकरेज, या स्टिमुलेट यानी कि अचानक ही भड़का देना। अगला इसका है गैल्वनाइज, यानी कि चीजों को और तेज कर देना, या फिर प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, या फिर ऐड करना। तो ये इसका पांचवा पर्यायवाची एंटोनिम क्या है, विलोम क्या है, हिंडर यानी दबाना, स्टॉप रोक देना, फ्लॉग यानी रुकावट करना, ऑब्स्ट्रक्ट भी होता है रुकावट, और ये ऑब्स्ट्रक्ट द्वारा आ गया। खैर याद कैसे करना है बच्चों, देयर इज अनदर फैक्टर दैट शुड अंडरपिन द शेयर प्राइस। जैसे कि ये भाई साहब है ये जमीन के सहारे से टाइल्स लगा रहे हैं, या फिर मम्मी है ये देख रही है कि इनका बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है स्टेज पर, तो वो प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें थम्स अप दे रही हैं। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीए, सब में आएगा, और एटकैट, एनडीए, सीडीएस, सब में आएगा बच्चों। CAPF, जितने भी एग्जाम है इंडिया में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है जहां पर वोकैब आती है, वहां ये याद रहेगा, काम आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अब देखेंगे कुछ सवाल करेंगे आपसे, देखते हैं कौन कितने पानी में। तो एग्जॉटिक का पर्यायवाची यानी सिमिलर क्या होगा, यस माई डियर स्टूडेंट्स, कैन एनिमल टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्जॉटिक।
आपके सामने चार ऑप्शन है, एलियन, स्ट्रेंज, रेयर या ग्रैंड। हाँ जी बच्चों बताइए जरा, है कोई शिकारी जो इस सवाल का जवाब देगा? हाँ जी बच्चे बताइए जरा। हाँ जी, एग्जॉटिक का सिनोनिम क्या होगा, एलियन, स्ट्रेंज, रेयर या ग्रैंड? है कोई शिकारी जो इसका आंसर देगा? बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, शाबाश बच्चों। हाँ जी हाँ बच्चे बिल्कुल कोशिश की जाएगी अजय भाई। हाँ जी जल्दी से बताइए, इसका सिनोनिम है कोई, कोई है शिकारी जो इसका आंसर देगा? एग्जॉटिक का बड़ा कॉमन वर्ड है बेटा। पहला आंसर आया है एसआर का ग्रैंड, लवनी मंडल का है स्ट्रेंज, खुशबू का है ग्रैंड, यहां पर निशांत जांगीर का आंसर है सी। और कोई आंसर है? इज देयर एनीवन, है कोई अर्जुन इस क्लास में जो अपने ज्ञान के तर्कश से प्रैक्टिस का तीर निकाल के निशाना साधे? खान जायद का आंसर है सी, खुशबू का आंसर है ग्रैंड, मनीष का आंसर है स्ट्रेंज। चलिए बच्चों तो देखते हैं, मनीष सक्या साक्या का आंसर एलियन है, धीरज का ए है, सचिन का ग्रैंड है। तो देखते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आंसर। तुम्हारा आंसर है स्ट्रेंज या अजीबो गरीब या यूनिक। अजीबो गरीब भी होता है इसका मतलब, यूनिक मतलब औरों से हटकर, ये औरों से बिल्कुल अलग। जैसे कि खूबसूरत वादियां हैं, भाई कोई कहे कि मैं आओ मेरे गांव में, यहां पर बड़ी खूबसूरत वादियां हैं, यहां का माहौल बड़ा अच्छा है, यहां पर पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मतलब अजीबो गरीब भी होता है, अनोखा भी होता है, यूनिक भी होता है, और यानी औरों से हटकर, ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। अब एलियन होता है विदेशी, जिसको डिस्टिंक्ट इसका सिनोनिम है, या फिर दूसरे ग्रह का। रेयर मतलब दुर्लभ, जिसका सिनोनिम है स्कार्स, जिसको हम स्कार्सली के नाम से भी जानते हैं। और ग्रैंड मतलब भव्य या फिर मैग्निफिकेंट, शानदार, भव्य, आलीशान। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले शब्द पे। लवानी मंडल बिल्कुल सही उत्तर है बेटा आपका, जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है बी जबरदस्त आंसर है, स्ट्रेंज इसका आंसर है। अभय आरजू बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या शिकार है। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा, क्रिपल, स्ट्रेंथन, इम्प्रिजन या इन्वेंट। इनकैपेसिटेट, यस कोई आंसर है? इनकैपेसिटेट, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन गाइस, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, कोशिश कीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करो, देखें जरा कौन शिकारी है, इस शिकार का आंसर करेगा। हाँ जी बच्चा, जायद, सचिन, अभय, प्रिंस, अरुण्या, आशुतोष, आशुतोष का आंसर बी है, जायद का आंसर बी है, मोनी सिंह का डी है, अजय सोलंकी इम्प्रिजन कह रहे हैं यानी कि थ्री, अरुण्या, अरुणमा, अरुणवा गुप्ता ए, अभय आरजू का आंसर है इन प्रिजन यानी थ्री। ओके तो सी ए आंसर, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, अभय आरजू इन प्रिजन बेटा एक बार दे दिया मैंने, देख लिया। ओम भाई कह रहे हैं ए, शंकर श्याम कह रहे हैं बी, मोनी सिंह कह रही हैं डी, अर्जुन दास सी। ओके ओनली फॉर फन थ्री, तो देखते हैं किसका आंसर सही है। आंसर बेटा वन है, ओम सिंह ठाकुर, वेरी गुड, सही निशाने पर लगा है ओम भाई आपका आंसर। मनीष जी एक्चुअली आप लेट आए हैं, ये क्लास होगी रोज 12:15 से 12:45 तक, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्रिपल इनकैपेसिटेट मतलब कि जो असक्षम है, जो कमजोर है, जिसके अंदर किसी प्रकार की फिजिकल कमी है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा ये सभी के लिए, एयरफोर्स के लिए भी है बेटा ये, बिल्कुल है आशुतोष जी। तो अपंग, विकलांग, हैंडीकैप या क्रिपल, जैसे भाई साहब अब देखो याद करने के लिए क्या है, आप किसी भी शब्द को किसी तस्वीर से या किसी एनिमेशन से जोड़ दीजिए। इनकैपेसिटेट मतलब कि उसमें कैपेसिटी कम है बंजी जंपिंग करने के लिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा, फिर भी हिम्मत करके काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं होता। अब स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, या पोटेंशियलाइज, पोटेंशियल मतलब क्या होता है पता है ना, क्षमता। अब इम्प्रिजन मतलब बंदी बनाना या कन्फाइंड, इसका सिनोनिम है। एंड इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, जिसको हम कंट्राइव भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप सबको बता दूं मैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंडिया के हर एग्जाम के लिए है, एसएससी का हो या डिफेंस का हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर एफकैट हो, सभी के लिए है बेटा।
हाँ बेटा ये एसएससी के लिए भी है, क्योंकि मेरे को 16 साल हो गए हैं एसएससी और डिफेंस पढ़ाते हुए, ठीक है, दिल्ली में। तो डोंट वरी, प्लस मेरे डैड आर्मी ऑफिसर से रिटायर हुए थे, है ना, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। तो बेटा मुझे, मैंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, तो आपको यकीन होगा कि मैं बेटा डिफेंस की हर चीज जानता हूं, ठीक है बच्चे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ बेटा यूट्यूब पे होगी लबानी मंडल जी, यूट्यूब पे होगी, वोकैब की क्लास रेगुलर होगी, बिल्कुल बेटा हमारी टीम बिल्कुल डेडिकेटेड है कि आपको वोकैब की कभी परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ न्यूज़पेपर, ठीक है, आप मेरे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसकी वजह है आपके एग्जाम में फिल्म ब्लैंक्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, है ना, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, वन वर्ड आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, ये सब। तो आपने देखा होगा सभी लोग कहते हैं, थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू वसीम शेख जी, सभी लोग कहते हैं कि द हिंदू अखबार पढ़ो। तो मैं आपके लेके आऊंगा द हिंदू अखबार का डेली एनालिसिस। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि अखबार क्या कहता है। तो आज ये कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल एनालिसिस होगा। इसमें खबर है ब्रिजिंग द माल न्यूट्रिशन गैप द वेजिटेरियन वे, कुपोषण की खाई, ब्रिजिंग द गैप। क्यों ब्रिजिंग, मतलब कि ब्रिज बनाया गया, खाई मतलब जो कमी हो गई है, खाई गैप मतलब यहां है खाई यानी कमी हो गई है, किसमें, माल न्यूट्रिशन में कुपोषण, बेमतेरा के तरीके से। बेमतेरा एक जगह का नाम है बच्चों, ठीक है, तो इसको मत सोचिएगा बेमतेरा, बेमतेरा क्या होता है बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है बेटा। ऑफ कोर्स राजकुमार दिस इज वेरी मच फॉर एसएससी सीडीएस आल्सो, ठीक बेटा। अच्छा बच्चों साउंड क्लियर आ रहा है क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेटा न्यूट्रिशन काउंसलिंग, देखो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, है ना, जो जो न्यूट्रिशन होता है विटामिन वगैरह होते हैं, काउंसलिंग यानी कि सलाह मशवरा, इज सिंपल, ये आसान है बट पावरफुल स्ट्रेटजी, मगर एक पावरफुल स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है एज दे एक्सपीरियंस इन दिस डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ शोज। छत्तीसगढ़ की ये जगह है बेमतेरा, ठीक है, बेमतेरा एक छत्तीसगढ़ की जगह है जहां पर यह अनुभव हुआ है कि वहां पर कुपोषण को लेकर क्या किया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। हाँ जी बच्चों चलिए तो देखते हैं बेटो अगला पन्ना क्या कहता है। इट इज ऑफन सेड दैट सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन, ऑफन मतलब अक्सर, ये अक्सर कहा जाता है कि सादगी यानी सिंप्लिसिटी जो है वो अल्टीमेट फॉर्म है, यानी कि वो अंतिम रूप है, मतलब कि उससे बेहतर कुछ नहीं है, ऑफ सोफिस्टिकेशन, किसका, सोफिस्टिकेशन मतलब सबसे बेस्ट, क्योंकि वैसे सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है आरामदायक, लेकिन यहां पर क्या है, फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन, कि यह अक्सर कहा जाता है कि सादगी यानी सिंप्लिसिटी इज द परिष्कार का अंतिम रूप है, मतलब कि परिष्कार मतलब बेस्ट का अंतिम रूप है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस हैज टॉट अस दैट सिंपल थिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी इजी, कि अनुभव ये हमें सिखाता है कि जो सामान्य चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा आसान हो, बट आर ऑफन मोस्ट इफेक्टिव, मगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, कैसे, सॉल्यूशन के तौर पर, इन दिस लाइट, इस रोशनी में, काउंसलिंग पीपल ऑन ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस अलोंग विद मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, मतलब कि यदि लोगों को काउंसलिंग की जाए, यानी यदि लोगों को समझाया बुझाया जाए कि ईटिंग और फीडिंग की जो प्रैक्टिस है, मतलब कि खाएं हम वो भी कैसा खाएं, और यदि किसी को खिलाएं तो वो भी कैसा खिलाएं, वो जरूरी है, ठीक है बच्चों। साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ बेटा ये यूट्यूब पे चलेगी ध्रुव कुमार जी, डेली क्लास होगी 12:15 से 12:45 पर। हाँ बेटा, बेटा साफ साफ आवाज आ रही है, जहां तक मुझे अभी टेक्निकल टीम से मैसेज आया है कि आवाज साफ कर दी गई है। यदि आवाज साफ साफ आ रही है तो प्यारे बच्चों एस लिख दीजिएगा, एस मतलब साउंड क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, तो जो थोड़ी देर के लिए व्यवधान हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई गेस द टेक्निकल टीम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, तो बेटा डोंट यू वरी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी आगे बढ़े बेटा जेएस भाटी जी, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखिए,
अगला पन्ना क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। अगला पन्ना क्या कहता है, अब देखो मेरे को मैसेज आ चुका है आशुतोष जी का, मेरे को मैसेज आ चुका है आशुतोष जी का कि आवाज साफ साफ आ रही है। राइट गाइस, आवाज आ रही है सबको? हाँ बेटा, हाँ बेटा। अंटेम्ड का मतलब कश्यप अय्यर जी होता है अदम्य साहस, बेसिहाब साहस, जैसे कि हमारी भारतीय सेना के पास अदम्य साहस है, ठीक है बेटा, ये एक एडजेक्टिव है। अंटेम्ड का एक और अर्थ होता है जंगली या वाइल्ड, ठीक है बच्चे, और इसका एक और अर्थ होता है घातक यानी सैवेज। इसे क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला शब्द क्या कह रहा है आइए देखते हैं बेटा, बस 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा मेरे को जरा, है ना, वॉल्यूम अभी सॉल्व हो रहा है, 10 सेकंड। हाँ बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नितेश यादव जी, ये सबके लिए है, नितेश यादव जी ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। डिफेंस के लिए तो 100% है, एसएससी के लिए भी 100% है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि बच्चे ने पूछा कश्यप ने अनटेम्ड का मतलब क्या होता है, तो बेटा आप बताइए, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है मिड डे मील्स, ये किसके लिए है? एसएससी का है, बैंक का है, एनडीए का है, यूपीएससी का, किसका है बेटा? ये इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर द इयर्स गवर्नमेंट हैज मेड पेनस्टेकिंग एफर्ट्स, इसका मतलब क्या है? पेनस्टेकिंग का मतलब क्या कोई बताएगा? कि कई सालों में, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है, यानी कि याद रखना कि अथक प्रयास को बोलते हैं पेनस्टेकिंग एफर्ट्स, यानी कोशिश टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए फूड सिक्योरिटी, ताकि सभी को भोजन मिले। नाउ चिल्ड्रन हैव मिड डे मील्स, अब बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाता है, ठीक है। इन देयर स्कूल्स एंड पीपल रिसीव मंथली राशन थ्रू एन एवर एम्पावरिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एम्पावरिंग मतलब अपने आप को और सशक्त करना, अपने आप को और ज्यादा सबल या काबिल बनाना, ठीक है बच्चों। आगे, रेडी टू ईट पैकेट्स एंड हॉट मील्स आर सर्व टू मदर्स एंड चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, कि मतलब पैकेट खोलिए और खाइए, पैकेट खोलिए, गर्म कीजिए, खाइए। इस तरह के रेडी टू मीट पैकेट जो है वो सर्व किए जाते हैं किसको? माओ को और उनके बच्चों को, जो आंगनवाड़ी सेंटर से वहां पर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर की जो ओवर आर्चिंग, मतलब की ओवर आर्चिंग का मतलब क्या है, ओवर आर्चिंग का मतलब क्या है कोई बताएगा? ओवर आर्चिंग का मतलब है व्यापक, मतलब बड़े पैमाने पर या व्यापक को कहते हैं ओवर आर्चिंग। इसको प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिएगा, व्यापक, ठीक है बच्चों। इसको जरा चलिए, तो बेटा व्यापक या बड़े पैमाने पर उसको ओवर आर्चिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्या है देखिए, अगला पन्ना कहता है फर्दर वेरियस एड ऑन्स, मतलब कि चीजों को जोड़ना, उनको वेरियस एड ऑन कहते हैं। यस नितेश जी, ये क्लास रोज होगी 12:15 से 12:45। अब बच्चे ने पूछा है कि सर सीडीएस का बैच बड़ा एग्जाम से काफी पहले से हो जाएगा कंप्लीट, चिंता ना करें जेएस भाटी जी। बेटा पैरा एसएफ एसके, बेटा बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने आपका सवाल देख लिया है, ये आपने जो सवाल लिखा है बेटा ये सवाल मुझ तक भी पहुंच चुका है और टीम तक पहुंच चुका है, ठीक है, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपको नहीं हो रहा है शो तो बेटा आपको ऐप में दिख जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, डोंट यू वरी मिस्टर एसके, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बेटा। अब देखो फॉर द वेरियस एड ऑन सच एज अंडे, केले, प्रोटीन पाउडर, मतलब प्रोटीन पाउडर, पीनट यानी कि मूंगफली,
जैगरी आर ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस स्पेशल स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, राज्य द्वारा समर्थित जो स्कीम्स हैं वो भी लागू हो रही है। एन एग्जाम्पल बीइंग द मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मतलब इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्टिल डिस्टेंट ड्रीम, मगर न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी कि सभी लोगों को पोषक भोजन मिले, ये दूर की कौड़ी है। डिस्टेंट मतलब दूर की कौड़ी है, मतलब कि सब कुछ काफी टाइम लगेगा करने में, ठीक है। डॉली झा और शिवम जी बेटा, ये 100% एयरफोर्स और एसएसबी में भी काम आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर रिटायर हुए थे, ठीक है, और मैं आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है मैंने, तो बेटा आई नो ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस एग्जाम्स, डोंट यू वरी डॉली झा जी, क्या हम आगे बढ़े, पढ़ लें बेटा, ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए पीपल ऑफन लैक नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग, लैक मतलब कमी, कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि क्या खाएं या कैसे खिलाएं अपने बच्चों को, कुपोषण इसलिए होता है। तो प्यारे बच्चों आज के इतना काफी है, समय हो चुका है, समय से एक मिनट आगे निकल चुका हूं, तो सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये क्लास मेरी रोज होगी, और ये मत सोचिएगा इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेटा हर एग्जाम में सेम होती है। तो बेटा आपके लिए ये जबरदस्त वोकैबुलरी क्लास है जो मैं लेके आऊंगा रोज 12:15 बजे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी, और रोज ये क्लास होगी बेटा केवल आपके लिए, ठीक है, क्योंकि खान सर की टीम चाहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो बेटा मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, कमेंट पक्का करें आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।